अस्सलामुअलैकुम। और जनाब इस वक्त हम लोग सुबह 9 बजे के करीब खड़े हुए हैं और देखें आप मौसम देखें इंटरलाकन में। इस वक्त हम टेंट विलेज से निकले हैं बालवर टेंट विलेज के पास से और बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं और अब हमारी अगली मंजिल, क्योंकि आज तीसरा दिन हमारे पास का आखिरी दिन, रात 12 बजे वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उस तीसरे दिन को भी हम इंजॉय करते हुए आज इंशाल्लाह ज्यूरिख और एंजरबर्ग और रेयन फॉल्स जाएंगे इंशाल्लाह देखते हुए, और फिर हम फ्रैंकफर्ट चले जाएंगे क्योंकि आज रात की बुकिंग हमारी फ्रैंकफर्ट की है। अब यहाँ इनके घर इतने डेवलप्ड हैं, इनकी दुकानें डेवलप्ड हैं, पहाड़ों पे घर डेवलप्ड हैं, दुकानें डेवलप्ड हैं, शीशे जैसी चमकती हुई दुकानें इनकी पहाड़ों के ऊपर हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेन, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेस एवरी व्हीकल ऑन दैट पर्टिकुलर माउंटेन, दैट्स वाई इनका जो है वो हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग बहुत इंजॉय करते हुए मुस्तकिल 2-3 दिन से बारिश हो रही है और बहुत मज़ा, यकीन करें मैं तो लगाता भी नहीं, लेकिन थोड़े हमारे बाल छाल का थोड़ा सा इशू है तो हमने कहा चलो थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं। लेकिन बहरहाल ये जगह देखें आप, ये मतलब एक बिहार का इलाका है, लेकिन उनके घर देखें आप, उनकी रोड्स देखें और बड़ा ज़बरदस्त, मतलब मैं कहता हूँ कि हम आधा घंटा भी ये वेट करेंगे क्योंकि पिछली बस निकल गई, लेकिन उस आधे घंटे को भी हमें इतना मज़ा आने वाला है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अस्सलामु अलैकुम, देख रहे हैं आप इस वक्त हम रेनफॉल के स्टेशन पे मौजूद हैं, एक सन्नाटे में स्टेशन, बिल्कुल जैसे आपको लगे कोई आदमी है ही नहीं और बहुत सा सब कुछ जो है नज़र ना आए, लेकिन इसमें अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये जैसे मौजूद हैं इस वक्त हम यहाँ, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं जो कि ऊपर से होते हुए बिल्कुल ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो ये यहाँ ऊपर नज़ारा जाते हुए, ऊपर पूरी एक आबादी है सब, और ये रास्ता जा रहा है यहाँ अंदर लिफ्ट के लिए, जो लिफ्ट ऊपर ले जाती है बिल्कुल ऊपर, टिकट वगैरह लेते हैं 5 यूरो ले रहे हैं और 5 यूरो से आपको पूरा फिर वो एक सीढ़ियाँ जा रही हैं मुख्तलिफ और डिफरेंट, उन पर जाके वहाँ आप नज़ारा कर सकते हैं। ये आपको वहाँ से जो है वो रेनफॉल बैक साइड पर नज़र आएगी, वो पूरी आबशार है, इसके जस्ट अपोजिट जो है वो एक आबादी है, वहाँ से रास्ता है। इस वक्त हम बस स्टेशन ज्यूरिख में मौजूद हैं और ये मेरे साथ जो है जमशेद साहब ऑलरेडी, क्योंकि हम दोनों साथ आए तो हम दोनों मौजूद हैं। बेहतरीन सेंट्रल बस स्टेशन, यहाँ से हमने अब हमारा सफ़र शुरू होगा फ्लेक्स बसों वाला, क्योंकि अब ये नियर है सारे फ्रैंकफर्ट, लग्जमबर्ग, नैदरलैंड, बेल्जियम और पेरिस वगैरह, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा जो है वो ये चीज़ें ज़रूरी हैं और इनमें हमें बसों में सफ़र करना चीपेस्ट है। मुझे 25 यूरो की जो है वो आपकी टिकट मिली है यहाँ से और 6 घंटे का सफ़र है। अभी हमारा ये सफ़र शुरू होगा, आधे 1:30 बजे हो जाएगी, होटल पे हमने फ़ोन कर दिया है उनको कि हम कंफर्म आ रहे हैं फ्रैंकफर्ट में। अच्छा, और वो भी मैंने रिक्वेस्ट की थी एक आदमी से, तो मैंने बोला आप ही बात करें क्योंकि आपकी लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ जर्मन, इटालियन, स्विस और इंग्लिश चारों लैंग्वेज में जो है यहाँ बात होती है, तो इसमें जब भी कोई कहीं बोर्ड पढ़ेंगे तो चारों लैंग्वेज में आपको बोर्ड मिलने को मिलेगा,
ये आप पीछे देखें, इस वक्त हमारे पीछे मैं स्टारबक्स कॉफ़ी पी के आया हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो है नहीं, तो स्टारबक्स कॉफ़ी पी है 50 सेंट की, और 50 यूरो की दो मिली हमें, 25 यूरो की हमने जो है वो 25 स्विस फ्रैंक की एक कप था जो कि हमें मीडियम कप मिला, बहुत ज़बरदस्त कड़वी और बेहतरीन एक्सप्रेसो, उसमें बेहतरीन मज़ा, और जमशेद साहब और हम दोनों ने पिया, इसमें 25 25 स्विस फ्रैंक की कुर्बानी दी हमने और ये सारी चीज़ें दी। तो बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह ताला आगे जाएंगे तो फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, बस हमारी आने वाली है, रात को पहुंचेगी और सुबह इंशाल्लाह ताला फिर हम आपको बताएंगे फ्रैंकफर्ट में क्या करना है। अल्लाह।